मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? चलिए जी, मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए क्लास लेके। एंड बच्चा, लेट मी चेक वेदर आई एम लाइव ऑन नॉट। सो जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक वेदर आई एम लाइव ऑन नॉट, फिर मैं क्लास उठा कर फिर स्टार्ट करती हूँ। एक सेकंड का टाइम दे दीजिए बच्चा लोग, एक बार चेक कर लिया जाए कि मैं लाइव हूँ या नहीं, और फिर क्या किसी क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, मैं लाइव आ चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वेद सैनी, यहीं हूँ बच्चा, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं गई। अच्छी, हम यहीं पे हैं, कहाँ जाएंगे आप लोग? चलिए ठीक है, साथ आज की प्यारी सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज लाई हूँ आप करें MTS टॉप 50, आज MTS के टॉप क्वेश्चन लाई हूँ जो आज कराऊंगी, और कल 50 क्वेश्चन और करा दूंगी और आपके MTS के किसी एक क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। और आज जो क्वेश्चन लाई हूँ वो कम्बाइंड है, यानी कि खाली बायो बायो के हैं, केमिस्ट्री भी पाई गई है, उसमें फिजिक्स भी पाई गई है, और उसमें आपकी बायो भी पाई गई है, और आप किसी भी का कॉम्बिनेशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बच्चा, इसके साथ अब तक भी आप लोगों ने क्या नहीं लिया? पैचेस नहीं लिए। जी हाँ, 24 सितंबर चला गया, प्राइसेस 25% क्या हुए थे बच्चा? रिड्यूस हुए, तब भी आप लोगों ने पैच नहीं लिया। मैं आपको फिर कहूंगी 22 सितंबर से नया बैच आ चुका है आपके SSC का, तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या करें, इस बैच में अपने आप को एनरोल करें, पूरे एक साल की वैलिडिटी आप लोगों की इस बैच की पाई जाएगी। आपके माइंड में कोई डाउट है कि मैम मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, इस फीचर का आप लोग यूज करें, आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, इंग्लिश हिंदी में सारे डाउट हम लोगों से पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, लाइव क्लास जो आप लेते हैं उसमें अपने हैंड को रेज करना है, और अपनी लाइव क्लास में आप लोग क्या ले सकते हैं, डाउट को ले सकते हैं। बच्चा, सितंबर मंथ का हमारा ऑफर है कि 24 मंथ्स में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 6 मंथ में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 12 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इन ऑफर को एनरोल करने के लिए क्या करना है बच्चा, जल्दी जल्दी आपको यहाँ से अपना SSC का नया बैच लेना है, परचेज करना है। और बच्चा, SSC कॉम्बैट कब होने वाला है? कल जी, कल दोपहर को 12 बजे, कल दोपहर को 12 बजे क्या होगा आपका SSC कॉम्बैट। और यहाँ पे आपको इनवाइट कोड क्या डालना है, निहार 10। तो मेरा नाम निहार 10 डाल के आप क्या करेंगे, इनवाइट कोड डालेंगे और आप इस कॉम्बैट में क्या लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे जी। ये स्कॉलरशिप टेस्ट, और यहाँ से आपको 100% स्कॉलरशिप लेने का मौका मिल जाता है। लेकिन ये जो टेस्ट है ये खाली एंड्रॉइड ऐप में ही पॉसिबल हो पाएगा, इस बात को आप लोग याद रखना। और ये मेरा बैच GD का जो चल रहा है 15 सितंबर से ये बैच मेरा स्टार्ट हो चुका था। यहाँ मैं GD में साइंस के प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, जी हाँ, मैं साइंस के प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ GD के लिए, और बहुत प्यारा सेशन ये मेरा जा रहा है। इसके साथ अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक भी फॉलो नहीं किया तो जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी इन SSC एग्जाम्स नॉन टेक्निकल विंग। और बच्चा, इसके साथ में यहाँ पे आप कोड यूज करेंगे निहार 10, और निहार 10 कोड यूज करके आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। चलिए, तो आप सबका वेलकम लेट्स क्रिकेट के साथ, आप सबका वेलकम साइंस में निहारिका राठौर में। गाइस, दिस इज माय होली सॉली इंट्रोडक्शन, और इन एग्जाम्स के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगी, और ये मेरी ऐप की टाइमिंग है। मेरी ऐप की टाइमिंग कल तक के लिए, मंडे से मैं अपनी ऐप की टाइमिंग लूंगी, मंडे से मैं क्लास ऐप की क्या करूंगी, रिज्यूम करूंगी कल और आज। मैं थोड़ा यूट्यूब पे ज्यादा आने वाली हूँ, तो इसलिए आज और कल मैं ऐप पे क्लास नहीं लूंगी। तो जितने मेरे ऐप वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखें, आज और कल ऐप पे क्लास नहीं होगी। और बच्चा, इसके साथ मैं आ चुकी हूँ 12 बजे बिल्कुल जी आप लोगों के लिए क्लास लेके। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, राइबोसोम का मुख्य काम क्या होता है, राइबोसोम का मुख्य काम क्या होता है? मैम, सेल डिवीजन को कराना, कोशिका विभाजन को कराना, कोशिका को कार्य करवाना, प्रोटीन का संश्लेषण, या आपका हार्मोन का सीक्रेशन। राइबोसोम का मुख्य काम क्या पाया जाता है? चलो जी आंसर देना स्टार्ट कर दो। मैम रिमाइंड यस्टरडे क्लास लास्ट 3 मिनट ऑफ सेंट, ओ माय गॉड, सॉरी, कोई बात, सॉरी जी, आप टेंशन मत लिया करो, बस आप पढ़ लिया करो। देखो, आप इतना सॉरी बोलेंगे, टेंशन लेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरी प्यारी सी फैमिली है, और फैमिली में इतना चलता रहता है, बस अब आप आ गए हैं, मैं आ गई हूँ, हम मिले, आप मिले, और क्लास का हम लोगों ने क्या किया, आगमन किया। तो यहाँ से प्यारी सी क्लास हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और आप लोग आज इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। चलिए, डू लाइक एंड शेयर, जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करना, आप लोग क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, जो राइबोसोम होती है इनका मुख्य काम क्या होता है, व्हाट इज द मेन एक्टिविटी बच्चा, राइबोसोम का मुख्य काम क्या होता है? तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, कमेंट करना स्टार्ट करेंगे। संडे हॉलीडे रहेगा? नो, संडे भी क्लास रहेगी। कल मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी, कल 12 बजे सेम आपकी मैराथन क्लास रहेगी, फिर दोपहर को 1:30 बजे कल मैं कराऊंगी वाईफाई स्टडी पे, आपको वाईफाई स्टडी पे मैं क्या कराऊंगी,
बायोलॉजी के वन लाइनर, मैंने कुछ नए वन लाइनर बनाए पढ़ाऊंगी। फिर शाम को 7 बजे कल मैं आपको किडनी पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? किडनी। ये मेरा कल का टाइम टेबल हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे आज का बता दो, मुझे क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। टन 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 का क्वेश्चन का आंसर दे दो। आप लोग ना बहुत, आप लोग सच में मेरे को बहुत परेशान करते हो। द राइट आंसर इज बच्चा राइबोसोम क्या करता है मैम? राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन संश्लेषण में कौन हेल्प करता है मैम? वो हमारा करता है राइबोसोम। तो इट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है मैम? राइबोसोम का मुख्य काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और राइट आंसर मुझे संजू ने दिया, कार्तिक गुड आफ्टरनून, कार्तिक ने, पुष्पलता ने, स्नेहा ने, वेद सैनी ने, पुष्पलता, अंजलि, तो सब लोगों ने मुझे राइट आंसर दिया कि आपके राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है मैम? प्रोटीन का सिंथेसिस कर। ठीक है चलो जी, अब आज ना 50 क्वेश्चन कराने हैं 1 घंटे में, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा। अगला क्वेश्चन क्या है मैम? साइनोवायल फ्लूड कहाँ पाया जाता है? साइनोवायल फ्लूड कहाँ पाया जाता है? ये आपकी बॉडी में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये आपकी बॉडी में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, यानी कि ये आपकी बॉडी में घर्षण को कम करता है। और घर्षण कम करने के लिए, घर्षण ज्यादा कहाँ पाया जाएगा? वहां पे घर्षण कम हो जाएगा। आपका साइनोवायल फ्लूड यानी कि जो आपका श्लेष द्रव होता है, जो आपका श्लेष द्रव होता है वो कहाँ पाया जाएगा? मसल्स, किडनी, लीवर या जॉइंट? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छुटका एप्पल या डी फॉर धासु मैम? तो क्या जाएगा इसका राइट आंसर बोलिए। बोलिए बच्चा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? कौन से जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूड पाया जाता है? अंकित, जुनेद, हाय मैम, हेलो बच्चा, हेलो। वेद सैनी का राइट आंसर, अंकित का भी राइट आंसर, अंजलि का भी राइट आंसर। जी हाँ बच्चा, जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जो आपके जोड़ होते हैं, आपके जोड़ों में क्या पाया जाता है बच्चा? साइनोवियल फ्लूड पाया जाता है। क्या पाया जाता है मैम? साइनोवियल फ्लूड पाया जाता है। और ये फ्लूड क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अंजलि, कार्तिक, नेहा, वाह बच्चा, ब्रावो ब्रावो, सब लोगों का राइट आंसर। तो आई होप सो कि ये आपके माइंड में लॉक हो गया होगा। तो सूस अटैक, आप लोगों ने मुझे इसका राइट आंसर दे दिया। मैम जो आपके जॉइंट्स होते हैं इसमें क्या पाया जाएगा? साइनोवियल फ्लूड पाया जाएगा। तो किडनी का काम क्या होता है मैम? किडनी का फंक्शन क्या होता है बोलो जल्दी से, क्या कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? अच्छा किडनी का फंक्शन क्या होता है मैम? एक्सक्रीशन कराना। क्या कराना? एक्सक्रीशन। जो भी वेस्ट होता है उसको बॉडी से बॉडी से आउट करने के लिए किडनी क्या करती है मैम? एक्सक्रीशन करती है। लीवर का काम क्या होता है मैम? लीवर को बोलते हैं एनर्जी स्टोर हाउस। क्या बोलते हैं? एनर्जी स्टोर हाउस, ऊर्जा का शक्ति गृह, यानी कि मैम ऊर्जा कक्ष। क्या बोलते हैं? ऊर्जा कक्ष। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी होती है मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है मैम? लीवर के अंदर पाई जाएगी। तो लीवर को बोलेंगे स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। किडनी एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट होती है। और जॉइंट्स क्या करते हैं? आपकी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मैम जॉइंट्स का काम क्या होता है? तो जॉइंट्स का काम होता है आपकी बॉडी की मूवमेंट में क्या करना? आप लोगों की हेल्प करना। जी हाँ, जॉइंट्स क्या करते हैं मैम? मूवमेंट कराएंगे। क्या कराएंगे? मूवमेंट कराने में आप लोगों की हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है? ल्यूकेमिया क्या किस प्रकार का रोग है? ल्यूकेमिया किस प्रकार का रोग है? ये डेफिशिएंसी डिजीज है, या आपके शरीर की बदलती हुई आकृति की बीमारी है, ये वायरल इन्फेक्शन है, या एक कैंसर है? तो व्हाट इज ल्यूकेमिया बोलो, जिस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? हे मांग मैम, आई एम द स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। कोई बात नहीं बच्चा, क्वेश्चन आंसर देने से तो आपका ही अच्छा होगा। हाँ जी बच्चा बिल्कुल, बेस्ट एक्सप्रेशन। चलिए सब लोग हेमांग का एक बार क्या करेंगे? वेलकम करेंगे। हेमांग वेलकम बच्चा हमारी क्लास में। जी हाँ, हमारी प्यारी सी क्लास में, हमारी छोटी सी फैमिली में आपका क्या है? बहुत सारा स्वागत। और जल्दी से अब आप लोग क्या करेंगे? मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। अब आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का क्या देंगे? राइट आंसर देंगे। चलिए बताइए, ब्लड कैंसर। वाओ, अमित, वेद, अंकित, अंजलि, श्वेता। श्वेता बच्चा क्या है कि थोड़ा फैमिली में इशू है, तो मुझे रात भर मम्मा के पास हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। 3 4 दिन से पहले रात की क्लास नहीं हो पा रही बच्चा, थोड़ा मम्मा बीमार है, रात में मम्मी के पास जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं रात वाले नहीं पा रही। 3 4 दिन रुक जाओ, 1 अक्टूबर से मैं रेगुलर क्लास ले लूंगी। 3 4 दिन की बात है, आपका महीना खत्म होने वाला है, 1 अक्टूबर से मेरी नाइट वाली क्लास रेगुलर आपको देखने को मिल जाएगी। 3 4 दिन कैसे बच्चा, मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। चलिए
बच्चा अब हम क्या पढ़ रहे हैं मैम, ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया को हम क्या बोलते हैं मैम, ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर। जी हाँ, ब्लड कैंसर को हम क्या बोलते हैं मैम, ब्लड कैंसर को हम बोलते हैं ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर में क्या होता है मैम, ब्लड कैंसर में ब्लड का क्लोट हो जाता है। ब्लड का क्लोट हो जाता है कौन सी एंजाइम कराती है? जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड क्लोट कौन सी एंजाइम कराएगी? हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या कराती है? ब्लड क्लोट कराती है। यही एंजाइम क्या कराएगी? WBC को इंक्रीज करेगी। जब आपकी बॉडी में WBC इंक्रीज हो जाते हैं तो आपको ल्यूकेमिया पाया जाता है। ल्यूकेमिया कौन कराता है मैम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कराती है। और इस एंजाइम की pH वैल्यू कितनी होती है? इस एंजाइम का pH मान होता है pH 3। इस एंजाइम का pH वैल्यू क्या होता है बच्चा? pH 3। ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है। ये ब्लड कैंसर WBC के अंदर पाया जाता है और ये ब्लड कैंसर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कराती है और इस एंजाइम की pH वैल्यू 3 पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? 3 पाई जाएगी। तो ये आर्टिकल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नारायण है बच्चा, अभी ना मैं आपको थ्योरी नहीं करा रही, अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी ना वहां मैं समझा दूंगी। अभी बेटा मुझे क्वेश्चन समझाने को प्लीज, ठीक है? वरना बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट ह्यूमन बींग। बच्चा एक व्यस्क मनुष्य की शारीरिक संरचना किस पे आधारित होती है? आपकी बॉडी का जो ये स्ट्रक्चर है ये किस पे डिपेंड करता है? 204 बोन्स पे, 206 पे, 208 पे या 214 पे? बोलो जी, आपकी बॉडी की संरचना किसके ऊपर आधारित है? बोलिए जल्दी जल्दी बच्चा, लाइक एंड शेयर भी करते रहो। लखन मैम, आई एम अ न्यू सब्सक्राइबर, वेलकम लखन। एंड लखन मुझे आप लोग ऐप पे फॉलो कर लेना। लखन मुझे आप लोग क्या करेंगे? ऐप पे फॉलो करेंगे। चलो जी, राइट क्वेश्चन का आंसर दो। ये MTS में पूछे गए क्वेश्चन है। जी हाँ, ये MTS में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं और ये MTS के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि मैं खजाने से ढूंढ के लाई हूँ। और बच्चा आपके MTS में ज्यादा हायर लेवल की साइंस नहीं आएगी, तो जिस लेवल की साइंस आएगी वही मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रही हूँ। एंड इसी के साथ डू लाइक एंड शेयर। बच्चा अगर मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ तो बच्चा आपको एक काम करना है, अपनी प्यारी सी मैम के लिए क्या करना है? डू लाइक एंड शेयर करना है। चलिए, तो बच्चा याद रखना जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो आपके स्केलेटन सिस्टम के सिस्टम, क्या बोलते हैं मैम? स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम जिसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र के ऊपर आपकी बॉडी की संरचना आधारित, और कंकाल तंत्र में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? 206। अब बताओ आपकी लॉन्गेस्ट बोन का नाम क्या है? सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? जल्दी बोलो, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट बोन? सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या पाया जाएगा? बोलिए सब लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। लखन अन अकेडमी की ऐप पे, जी हाँ अन अकेडमी, अन अकेडमी की ऐप पे आप मुझे क्या कर लेना? फॉलो करना। वहाँ जितनी भी मैं स्पेशल क्लास देती हूँ वो सारी की सारी स्पेशल क्लास आप फ्री में देख पाएंगे। एरन गुड मॉर्निंग, रविराज गुड मॉर्निंग। सब लोग क्या करेंगे? रवि का और हमारे लखन जी का वेलकम करेंगे। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? तो ये लीजिए, हमने आपका स्वागत कर दिया। और इसी स्वागत के साथ अब हम पूछ करेंगे अगले क्वेश्चन पे। इन द अब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर, एटमोस्फियर के अब्सेंस में आपका आसमान कैसा दिखाई देता है? वायुमंडल जब नहीं पाया जाएगा तो आकाश कैसा दिखाई देगा? बच्चा काले रंग का, सफेद, ब्लू या रेड? बोलो जी, सुटैक मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो। दिन चेक, जी एस बच्चा, फीमर, फीमर, फीमर। फीमर को बोलते हैं थाई बोन। फीमर को क्या बोलते हैं मैम? फीमर को बोलते हैं थाई बोन। क्या बोलते हैं? थाई बोन। इसी को बोलते हैं फीमर, इसी को बोलते हैं थाई बोन। एंड थाई बोन इज द राइट 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 आंसर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की, जब वायुमंडल नहीं पाया जाएगा तो आपको आपका आसमान, आपको आपका अंबर कैसा दिखाई देगा? काला, सफेद, ब्लू या रेड? बोलिए। सूर्या, वेद, अविनाश, सोरी, रीता, ब्लैक। वाओ जी, ये वाला ब्लैक कौन सा? अनअकैडमी का ब्लैक। तो बच्चा आपको कलर दिखाई देगा ब्लैक। चलो आपने मुझे बोला मैम ब्लैक दिखाई देगा, लेकिन ये काला क्यों दिखाई देगा? क्या किसी के पास इसका रीजन है? जी हाँ, अगर किसी के पास ऐसा रीजन है कि मैम काला क्यों दिखाई देगा तो मुझे रीजन भी बता दीजिए। सूर्य पंडित, आप सबका वेलकम। चलिए
सबका वेलकम इस प्यारे से हर्ट के साथ। ये मेरा हर्ट आप सब के लिए और मेरी प्यारी सी फैमिली के लिए। और मेरी प्यारी सी फैमिली अब पता क्या करेगी, मेरी प्यारी सी फैमिली अब करेगी डू लाइक एंड शेयर। और आज का पीडीएफ आपको मेरी वीडियो के साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। सॉरी बच्चा, कल यहाँ पे नेटवर्क इशू था तो कल मैं पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन आज का पीडीएफ मेरी क्लास के साथ क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। चलो अब सबसे पहले मुझे क्या करोगे, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दोगे कि बच्चा कौन सा रीजन ऐसा पाया जाएगा जिसकी वजह से क्या होता है आसमान काला दिखाई देगा, स्कैटरिंग। चलिए मैम इसका आंसर जाएगा स्कैटरिंग। क्या जाएगा? स्कैटरिंग। इसको बोलते हैं परकिरण। इसको हम क्या बोलते हैं मैम? इसको हम बोलते हैं परकिरण। क्या बोलते हैं? परकिरण बोलते हैं। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? रंगों का प्रसारित हो जाना, रंगों का प्रसारित। स्कैटरिंग कब होती है मैम? स्कैटरिंग होने के लिए एक तो आपका मीडियम पाया जाएगा, दूसरा आपका रोशनी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? रोशनी पाई जाएगी। वायुमंडल में रोशनी कौन सी होती है? सूरज की रोशनी। लेकिन वायुमंडल में मीडियम नहीं पाया जाएगा, और आपके एटमॉस्फेयर में जब मीडियम नहीं पाया जाएगा तो बोलेंगे नो स्कैटरिंग। नो स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? ब्लैक कलर। क्योंकि एक क्वेश्चन आता है स्कैटरिंग का, सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है, हम लिखते हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई, आसमान का नीला रंग। नीले नीले अंबर पे चांद जब आए, तो आपका नीला अंबर होता है ये स्कैटरिंग के कारण क्या होता है आपको दिखाई होता है। बच्चा आपके एमटीएस में ज्यादा हाई लेवल की साइंस नहीं आएगी, इस बात को याद रखो, आपके एमटीएस में ज्यादा हाई लेवल की साइंस नहीं आएगी। अच्छा एग मार्क आपने सुना है, एग्रीकल्चरल मार्क। क्या बोलते हैं इसको? एग्रीकल्चरल मार्क। जी हाँ, एग्रीकल्चरल मार्क बोलते हैं, है ना मैम? एग्रीकल्चरल मार्क बोलते हैं। ये जो एग मार्क होता है ये किसके लिए यूज करते हैं बच्चा? अंडों के प्रोडक्शन के लिए, आपके बाजरे के प्रोडक्शन के लिए ये किसान लोग यूज करते हैं, या फिर ये एक गारंटी का सिंबल होता है। बोलो जी एग मार्क का मतलब क्या होता है, बोलिए। मैम एयरफोर्स में ये सब क्वेश्चन आ गया, तो बच्चा एक बात बताओ, अगर एयरफोर्स में आ गया तो इट मीन्स जो मैं पढ़ा रही हूँ यही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, यही बात फिक्स हो जाएगी। चलिए बताइए कितना सेफ स्कोर होगा बच्चा एमटीएस में? एमटीएस में लगभग आपको कितना लाना पड़ेगा? 80 प्लस। लगभग अगर आप 80 प्लस एमटीएस में लाएंगे तब जाके आप किसमें पाए जाएंगे? सेफ जोन में पाए जाएंगे। जी हाँ, एमटीएस में अगर आप कितना लेके आते हैं, 80 प्लस लाते हैं, तब आप क्या पाए जाएंगे? सेफ जोन में पाए जाएंगे। साहिल हेलो, ओनली गेम हेमंत साहिल, मिशन यूपीएससी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, सबने बोला मैम सी और डी, बच्चा इसका जाएगा डी। ये एक एक गारंटी वाला निशान होता है। जी हाँ, ये एक गुणवत्ता की मोहर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? गारंटी, गुणवत्ता के गारंटी की मोहर, क्वालिटी गारंटी सील होती है आपके अंडों के ऊपर, घी के ऊपर, या फिर आपके फूड प्रोडक्ट के ऊपर। जितने भी आपके मोस्टली फूड प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, जो आपके खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, उन खाद्य पदार्थ पे उनकी गुणवत्ता के इसकी गारंटी की मोहर क्या होती है? एग मार्क का निशान होता है। किसका होता है मैम? एग मार्क का निशान होता है। चलो जी अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लैक ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से क्या होता है? अब इन्होंने बोल दिया विटामिन बी, तो हमेशा आप अगर विटामिन बी बोला जाएगा तो B1 से स्टार्ट करेंगे, और B1 का नाम क्या होता है मैम? थायमीन होता है। B1 का नाम क्या होता है? थायमीन। अब आप मुझे बताएंगे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कौन सी बीमारी होगी, बेरी बेरी, स्कर्वी, पेलेग्रा या रिकेट्स? बोलो जिस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बोलिए जल्दी से, जल्दी बोलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। बच्चा मेरी क्लास 12 बजे से स्टार्ट हुई है, मेरी क्लास 12 बजे से स्टार्ट हुई है, और अगर आपको बायो का एक लेसन पढ़ना है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन का पार्ट वन, रिप्रोडक्शन का पार्ट वन आज डेढ़ बजे वाईफाई स्टडी 2.0 में मैं पढ़ाऊंगी। जैसी मैं आपकी क्लास ओवर करूंगी इस चैनल पे 1:30 बजे मैं क्या पढ़ाऊंगी? रिप्रोडक्शन का पार्ट वन पढ़ाऊंगी, तो आप लोग ज्वाइन करना। एंड द राइट आंसर इज ए।
राइट आंसर इज ए, इसको बोलते हैं बेरी बेरी। इसको हम क्या बोलते हैं? बेरी बेरी बोलते हैं। बच्चा बेरी बेरी क्या है? ये एक नर्वस सिस्टम को डैमेज करने वाली बीमारी है, आपके नर्वस सिस्टम को, जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, आपके तंत्रिका तंत्र को, आपके तंत्रिका तंत्र को डैमेज करने वाली बीमारी। ये किसको डैमेज करती है? ये किसको डैमेज करती है? नर्व सेल को। आपके नर्व सेल को क्या करेगी? डैमेज कर देगी। तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम में होने वाली बीमारी। ये आपके नर्व सेल को क्या करती है? डैमेज कर देती है। अगला आएगा स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन C से होता है और ये एक स्किन डिजीज होती है, ये एक स्किन डिजीज होती है और इसी को बोलते हैं ब्लीडिंग इन गम्स, मसूड़ों में से खून आना, इसी को बोलते हैं ब्लीडिंग इन गम्स। अगला क्वेश्चन, पलेगरा विटामिन B3, इसको बोलते हैं नियासिन। तो नियासिन से क्या होता है? मैम नियासिन से होता है आपका प्लेगरा। और विटामिन डी से क्या होता है? मैम रिकेट्स पाया जाएगा। तो मैंने चारों ही ऑप्शन बता दिए। बेरी बेरी B1 से होता है, स्कर्वी विटामिन C से होता है, प्लेगरा विटामिन B3 से, और रिकेट्स विटामिन डी से पाया जाता है। ठीक है रविराज, बच्चा मैं आपको पहले कह रही हूँ MTS ज्यादा हाई लेवल नहीं है। जी हाँ, MTS होता है मल्टी टास्किंग स्टाफ, 10th बेस पे आप लोग देंगे तो बच्चा इसका लेवल ज्यादा हाई नहीं पाया जाएगा। जो मैं ये 100 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, 50 आज और 50 कल, इन 100 क्वेश्चन को कर लोगे ना आपको MTS का लेवल पता चल जाएगा। और गारंटीड लेती हूँ कि साइंस के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे। अब बच्चा इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन क्या है? इनफ्लोरेसेंस इन सनफ्लावर इज अ टाइप ऑफ, सूरजमुखी में जो पुष्पक्रम होता है इसको क्या कहते हैं? बच्चे ये पुष्पक्रम क्या होता है? इसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के अरेंजमेंट को, फूलों के क्रम को बोलते हैं पुष्पक्रम। क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम। तो जो आपका सूरजमुखी का फूल होता है इसके अंदर इनफ्लोरिसेंस यानी कि पुष्पक्रम किसके ऊपर पाया जाएगा? स्पाइक के रूप में, कैपिटुलम, बंच या फिर स्पैटिक्स के रूप में? तो आप मुझे बताएंगे कि सूरजमुखी के फूल के अंदर जो आपका इनफ्लोरिसेंस होता है ये किस रूप में पाया जाता है? बोलिए, चलिए बोलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? हेमंत ने मुझे आंसर दे दिया, अंजलि ने, नरेंद्र ने मुझे आंसर दिया, मिशन ने भी मुझे राइट आंसर दे दिया, स्नेहा का भी राइट आंसर आ गया। बच्चा कैपिटुलम इज द राइट आंसर। जी हाँ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कैपिटुलम। कैपिटुलम इज द राइट आंसर। अगर ये आपका फूल है, अगर ये आपका फूल है तो ये जो इसका बेस होता है जिसपे आपकी पंखुड़ियां पाई जाती है, इसी बेस को हम क्या बोलते हैं? कैपिटुलम बोलते हैं। और सूरजमुखी के फूल का बेस क्या होता है? कैपिटुलम होते हैं। क्या होता है? हर फूल का बेस अलग अलग पाया जाएगा। सूरजमुखी के पुष्पकर्म क्या होता है? कैपिटुलम के ऊपर आधारित होता है और इसी को बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। क्या बोलते हैं बच्चा? मैम अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स हम लोग बोलते हैं। बच्चा ना ही आप लोगों ने लाइक किया है, ना ही आप लोगों ने शेयर किया है, ऐसे कैसे काम चले? मैं गर्मी में यहाँ पढ़ा रही हूँ और ना ही आप लोग लाइक कर रहे हैं, ना ही आप लोग शेयर कर रहे हैं, इज दिस फेयर? क्या ये सही बात है? तो मुझे आप बता दो। नहीं बच्चा, मैंने बोला है सूरजमुखी, सूरजमुखी का आंसर कैपिटुलम पाया जाएगा, स्पैडिक्स नहीं पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डोनर ऑफ एबी ब्लड ग्रुप कैन डोनेट टू ब्लड। बच्चा एबी ब्लड ग्रुप का डोनर जो ब्लड होता है वो किससे प्राप्त करता है यानी कि किससे रिसीव करता है? यही तो है ना, द डोनर ऑफ एबी ब्लड ग्रुप कैन डोनेट रेसिपिएंट ऑफ ब्लड ग्रुप। चलो बच्चा डोनेट करना है, क्या करना है? डोनेट करना है। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसको अपना खून डोनेट कर सकता है? बोलो जी, डोनर ए बी अगर डोनर बनेगा, अगर दाता बनेगा, अगर ए बी ब्लड ग्रुप दाता बनेगा तो इनमें से किसको ए बी अपना खून देगा? और ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, अगर ये क्वेश्चन रिपीटेड आ गया तो ये क्वेश्चन आपका एक VVIP क्वेश्चन है। तो गारंटीड 100% ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैंने शेयर किया लखन, थैंक यू बच्चा, थैंक यू बच्चा, आप लोगों ने शेयर किया, आपका प्यार ही हमें जीने का सहारा देता है। एंड द राइट आंसर इज मैम ए बी किसको अपना खून दे सकता है? ए बी खाली ए बी को ही खून देगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा मैम? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चलो
अगला क्वेश्चन आप मुझे हिंचक मोड में दोगे, हिंचक मोड क्या बोलेंगे, हिंचक मोड में अगला क्वेश्चन का आंसर दोगे। और अगला क्वेश्चन क्या है मैम, जो आपका फिलेरियासिस, जी हाँ मैम, जो आपका फिलेरियासिस बीमारी है वो किससे होती है, फिलेरियासिस को बोलते हैं एलिफेंटाइसिस, जी हाँ बच्चा एलिफेंटियासिस, जो आपका एलिफेंटियासिस होता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, हाथी पैर, है ना, हाथी की तरह पैर का हो जाना। तो ये जो आपका हाथी पैर होता है ये बीमारी किससे होती है, ये आपके कीड़ों से होती है, ये फंगस से होती है, ये बैक्टीरिया से, या प्रोटोजोआ से। जो मैम आपका फिलेरियासिस है ये बीमारी किससे पाई जाती है, बोलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। क्या ढिंचक मोड एक्शन क्या है, ढिंचक मोड में आंसर दोगे जल्दी से, क्योंकि ढिंचक मोड में पढ़ोगे तो एमटीएस इस बार क्या हो जाएगा, गारंटीड क्लियर होगा। एमटीएस के मेरे पास 100 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस और एक्सपेक्टेड, उनमें से 50 आज करा दूंगी, 50 कल करा दूंगी, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ढिंचक मोड में हो जाएगा। बच्चा इसमें हम वॉर्म बोलेंगे, वॉर्म के बाद यह इन्फेक्शन आगे फैलेगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा मैम, जो आपका फिलेरियासिस होता है यह आपका वॉर्म से, यानी कि मैम कीड़ों से होता है, किससे होता है, कीड़ों से पाया जाएगा, है ना मैम, वॉर्म से पाया जाएगा, यानी कि कीड़ों से पाया जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चा मेरे, वॉर्म जाएगा, वॉर्म जाएगा, वॉर्म जाएगा, कीड़े जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे पाया जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे पाया जाएगा, न्यू दिल्ली, मद्रास, आपका खगड़पुर, या आपका बेंगलुरु। हिंट दे दूं, कर्नाटका में, कर्नाटका, कर्नाटका में पाया जाएगा। आप कर्नाटका कहाँ पे है आप मुझे आंसर दे दीजिए, आई एम वेटिंग। ढिंचक मोड में आंसर देंगे, ढिंचक मोड में। देव सिंह, लो जी आपका नाम लिया, आपको याद किया, और बोलो जी। अमित जी, ओ माय गॉड, अमित जी पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। बेंगलुरु, 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 और बेंगलुरु से थोड़ा आगे क्या पाया जाएगा, ऊटी पाया जाएगा। जल्दी से आप सब लोग गवर्नमेंट जॉब ले लो, फिर हम लोग घूमी घूमी करके आएंगे ऊटी में, है ना। चलिए मैम, राइट आंसर जाएगा बेंगलुरु, जी हाँ। आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है, बेंगलुरु में। एक क्वेश्चन और आएगा, इंडियन, एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पे, बोलो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दो। सही बोले तो जाने, इन चेक मोड में आंसर देंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पाया जाएगा, बोलिए, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोल दो, ढिंचक मोड में राइट आंसर दोगे। और इस ढिंचक मोड में आप क्या करोगे, लाइक एंड शेयर भी करोगे, क्योंकि ना आप लाइक कर रहे हैं ना आप शेयर कर रहे हैं, और अच्छे के अच्छे काम चलेगा, अच्छे के अच्छे काम चलेगा। राइट आंसर तो फटाफट से, दिल्ली में बच्चा, एम्स दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ पे है, हमारा न्यू दिल्ली में, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, जिसके पास क्या है, ऑल इंडिया मेडिकल पाए जाएंगे मैम, एम्स पाया जाएगा। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहाँ पे है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट, ये क्या है बच्चा, ये एक कंडक्टर है, ये क्या है, ये एक कंडक्टर है, ये एक सुचालक है, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं करंट पैदा करने के लिए, करंट को कैरी कराने के लिए, और कहाँ से, एक्वस सॉल्यूशन से, जी हाँ एक्वस सॉल्यूशन, जलीय घोल, जलीय घोल में, जलीय घोल के अंदर करंट कैरी करने के लिए हम सोडियम जिंकेट का यूज करते हैं। अब आप बताएंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम जिंकेट, बोलो जी सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या पाया जाएगा, आप लोग मुझे राइट आंसर देंगे, आप लोग क्या देंगे मुझे राइट आंसर देंगे। हवाओं का रुख बदल चुका है, हवाओं का रुख बदल चुका है, जरा थमके चल रहा है हवा, क्योंकि मेरे सिकंदर अब एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं। चलो जो राइट आंसर तो फटाफट से, ढिंचक मोड में बोला ए बच्चा, लेकिन ढिंचक मोड में राइट आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा, जी हाँ, Na2ZnO2, ये इसका सही फॉर्मूला जाएगा। जिन्होंने बोला बी, उनका ढिंचक ढिंचक ढिंचक, उनका क्या हो जाएगा, ढिंचक हो जाएगा उनका सही आंसर। जिन्होंने गड़बड़ किया वो याद रखे, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2ZnO2, Na2ZnO2 इज द राइट फॉर्मूला, जी हाँ बच्चा। चलिए चलिए बिल्कुल, मेरा नाम ले लो, चलो जी आपके नाम ले लेती हूँ पहले, अमित, आशीष, आंचल,
गिरिराज, अमित हो गया कार्तिक, सोफी, प्राची, कार्तिक, मिशन, विशाखा और गिरिराज, स्नेहा, विशाखा, सतीश, अंकित, हेमंत, विशाखा, मिशन, रवि सेन, वेद सैनी, अंजलि, हेमंत कुमार, देव सिंह जी, चलिए सबके नाम ले दिए, आपका नाम लिया, आपको याद किया, अगले क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। मैम, कियान इंडिया, जो आपको जो कियान इंडिया होता है ये किसकी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है? कियान इंडिया किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? दूध, यानी कि बच्चा दूध के उत्पादन के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, पेट्रोल के लिए या अनुवांशिकी मॉडिफाइड कॉटन के लिए? जो आपका कियान इंडिया होता है, जी हाँ, ये जो आपका कियान इंडिया है ये किसके लिए जाना जाएगा, बोलिए, बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, ये जो आपका कियान इंडिया है ये किसके लिए जाना जाएगा? जी हाँ, जो आपका कियान इंडिया है ये किसके लिए जाना जाएगा? और इस क्वेश्चन का आप लोग क्या देंगे मुझे, राइट आंसर देने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग मुझे राइट आंसर दे दीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, बाय मैम, थैंक यू वेरी मच, ओके वेरी सनी, बाय बच्चा। अब जाने वाले को कौन भला किसे रोक सका है? इंसान तो एक मसीहा है, तोड़ के पिंजरा आखिरी दिन पंछी को उड़ जाना है। बच्चा, जो आपका कियान इंडिया होता है यह पेट्रोलियम गैस और आपके तेल के उत्पाद के लिए जाना जाता है। जी हाँ, कियान इंडिया पेट्रोल गैस और तेल के उत्पाद के लिए जाना जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चा मेरे, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बी नहीं जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चेक करना, गूगल करना, हर चीज करना, कियान इंडिया होता है यह पेट्रोल और गैस, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल के लिए, गैस के लिए और ऑयल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे साइंस एंड टेक के भी आए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लाइट ईयर क्या है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज लाइट ईयर, पृथ्वी और सन के बीच की दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन अ ईयर, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, या नन ऑफ दिस। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो लाइट ईयर क्या होता है, बोलो बच्चा, व्हाट इज द लाइट ईयर, बोलिए। साक्षी सोनम जी, आपको कोई दुश्मनी है क्या? साक्षी सोनम जी, आपको कोई दुश्मनी है तो आप बोल दीजिए। चलो चलो बच्चा, अब देखो बच्चा, लोग तो कमेंट करते रहेंगे लेकिन आप ढिंचैक मोड में मुझे राइट आंसर देने वाले हैं। बोलिए बच्चा, लाइट ईयर क्या होता है, क्या होता है बच्चा, लाइट ईयर क्या होता है? साक्षी सोनम, बच्चा ऐसा है कि लगता है आपके घर वालों ने ना आपको बोलने की तहजीब नहीं सिखाई, तो पहले बोलने की तहजीब सीख के आओ और उसके बाद क्या करना, यहाँ पे क्लास लेने आना, वरना तुरंत क्या करवा दूंगी, टीम से कह के ब्लॉक करवा दूंगी। मैं इतना कह रही हूँ, मुझे यहाँ बर्गर कमेंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है? एक बच्चे ने बर्गर कमेंट कहा, मैंने टीम को मैसेज किया, टीम ने उसको ब्लॉक मार दिया, अब आपका नंबर है, ठीक है? बता रही हूँ बच्चा। मैम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, लाइट ईयर क्या होता है बच्चा, एक साल में जो आपकी रोशनी होती है वह कितनी दूरी तय करती है, इसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो लाइट ईयर अपने आप में क्या होता है बच्चा, डिस्टेंस होता है। कई लोग बोलते हैं बच्चा कि मैम ये ना कोई गैप होता है, ये गैप नहीं होता मैम, ये आपकी डिस्टेंस होता है, ये यानी कि ये आपकी एक दूरी पाई जाती है बच्चा, आपकी रोशनी एक कितनी दूरी तय करेगी, तो इस दूरी में जो लेंथ पाई जाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे मैम, लाइट ईयर बोलेंगे। यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं मैम, लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। चलो जी, हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रोंज कांस्य पदक, इंडिया ने अभी ओलंपिक्स में बहुत सारे सिल्वर जीते, बहुत सारे ब्रोंज भी जीते। जो ब्रोंज मेडल बना होता है, ब्रोंज किसका मिश्र धातु है, ब्रोंज किसका मिश्र धातु है बच्चा, ये आपके सामने ऑप्शन है, तो बच्चा कॉपर, जिंक और आपका मैम लेड, कॉपर, जिंक और टिन, कॉपर, जिंक और आपका निकल, या कॉपर एंड जिंक। तो आप मुझे बोलेंगे कि राइट आंसर क्या जाएगा, आप बताएंगे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छुटका एप्पल, या डी फॉर धासु मैम। तो डिन चेक मोड में आप लोग देंगे मुझे राइट आंसर। निहारिका मैम, न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? देखो बच्चा, 12 बजे एक बैच चल रहा है, 12 बजे एक चल रहा है बायोलॉजी का बैच, ठीक है? और 1 बजे से वाईफाई स्टडी 2.0, वाईफाई स्टडी 2.0 पे मैं लेके आ चुकी हूँ केमिस्ट्री का बैच। केमिस्ट्री में अभी एक लेसन पूरा नहीं हुआ, वो केमिस्ट्री की क्लास आप 1 तारीख से ज्वाइन कर लेना।
चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चा, मैम इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, यह जाएगा कॉपर जिंक एंड आपका टिन। जी हाँ, कॉपर जिंक और जो टिन होता है ये बच्चा एसन को बोलते हैं टीन। तो बच्चा ये आपका एलोय पाया जाता है, ये इन एलोय से क्या बनता है, ब्रोज बनता है। तो जो आपका कांस्य होता है, कांस्य पदक जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, कॉपर जिंक और टीन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बी फॉर बड़का एप्पल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था मेरे बच्चा लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बी फॉर बड़का एप्पल। मैं पढ़ाती तो बहुत अच्छे से हूँ, लेकिन कई लोग क्या करते हैं वल्गर कमेंट्स करने के लिए आ जाते हैं। चलो बच्चा, मैम बेयर प्रोसेस क्या कभी पढ़ा है, बेयर प्रोसेस क्या होता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालना, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को निकालना, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना, इसी को हम क्या बोलते हैं मैम, इसके एक्सट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, बेयर प्रोसेस। तो बेयर प्रोसेस में जब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को बाहर निकालेंगे तो बॉक्साइट के अंदर किसकी रिएक्शन करते हैं, बॉक्साइट के अंदर किसकी रिएक्शन करके आपको एल्यूमिनियम मिल जाता है, KOH, NaOH, H2SO4 या Na2CO3। तो बॉक्साइट के अंदर किसकी रिएक्शन करने के बाद आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है आपका एल्यूमिनियम, बोलो बच्चा। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बेयर प्रोसेस, बॉक्साइट की सफाई करके बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम को निकालना, बोलो बच्चा। चलिए, और इसी के साथ ओके ईगल जी, थैंक यू थैंक यू। तो ढिंचैक मोड में आंसर दे दो जल्दी से, ढिंचैक मोड में आंसर दो कि राइट आंसर क्या जाने वाला है। और आप सब मेरी प्यारी सी फैमिली हो तो फैमिली में गुस्सा गुस्सी चलती रहेगी, लेकिन फैमिली में कभी भी हम अपने फैमिली मेंबर्स को ना गलत कमेंट्स नहीं बोलते, इस बात का बच्चा आप लोग याद रखना। एंड द राइट आंसर इज बच्चा NaOH, द राइट आंसर इज NaOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा, और इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्षार कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका पीएच मान कितना होता है, 14 होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, 14 होता है। तो बच्चा सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं बॉक्साइट के साथ एल्यूमिनियम को अलग करने के लिए। ठीक है, चलिए तुक्का नहीं लगा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तुस बड़े मजा किया हो, किसने बोला, मिशन जी ने, उससे बड़े मजा किया हो जी, तुक्का नहीं लगाना, राइट राइट आंसर देना है। तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे सिकंदरों, मेरे शेरनियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा NaOH। ठीक है अंजनी रानी, अंजलि रानी बड़ी रानी, पीती पानी बताती नींबू पानी, है ना। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का अनुपात क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। बच्चा केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, आज देखो आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड लाई हूँ, और गारंटीड यहाँ से आपके साइंस में क्वेश्चन टकराएंगे, तभी कह रही हूँ क्लास को पूरा पूरा ज्वाइन करो। रश्मि जी, रश्मि आपको मेरी क्लास का नहीं पता, रश्मि बच्चा आप एक काम करो, आप एक काम करो कि आप मुझे अन अकेडमी की ऐप पे फॉलो कर लो, रश्मि आप मुझे अन अकेडमी की ऐप पे क्या कर लो, फॉलो कर लो सबसे पहले तो। और इसके साथ रश्मि अभी 1:30 बजे, अभी 1:30 बजे मैं आप लोगों से कहाँ मिलूंगी, 1:30 बजे वाई फाई स्टडी 2.0 पे रिप्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो रश्मि उस क्लास को भी आप ज्वाइन करना, वहां मैं आपको सारा टाइम समझा दूंगी। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ, यहाँ मैं थ्योरी कराऊंगी, तो मैं आपको सारा टाइम समझा दूंगी रश्मि, लेकिन 1:30 बजे Wi-Fi Study 2.0 पे आप लोग मेरे से मिल जाना। ठीक है, बिल्कुल जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अरे नलायक, ऑप्शन नंबर 1 जाएगा, 1 बाय नहीं जाएगा, 1 जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1386 इज द राइट आंसर। कई लोग सोचेंगे मैम ये जाएगा, बट ये नहीं जाएगा, रेशो कितना होगा बच्चा, 1386, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ बच्चा, कहाँ मिलेंगे आपसे, मिलेंगे हम लोग कहाँ पे, Wi-Fi Study 2.0 पे। जी हाँ, Wi-Fi Study 2.0 पे मिलेंगे आपसे 1:30 बजे आज इस क्लास के बाद। ठीक है, और बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा मैम,
1836 जाएगा, 1 बाय नहीं जाएगा, 1836 इज द राइट 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 आंसर। जी हाँ, मैंने इसलिए बोला केमिस्ट्री पढ़ लिया करो, केमिस्ट्री बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ मिस्ट्री, केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है। चलो जी अगला क्वेश्चन का राइट आंसर पाओ। फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, अगर किसी सिंपल पेंडुलम की, अगर किसी लोलक की लंबाई को हम क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो उसकी आवृत्ति पे क्या असर पड़ेगा। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी या हाफ। तो डिन चेक मोड में आप लोग क्या देंगे, मुझे राइट आंसर देंगे। लखन जी लिंक सेंड करो, आपको कुछ नहीं करना। लखन जी मेरी बात सुनो, आप वाई फाई स्टडी 2.0 को भी क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। जब आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आपको वहां मेरी प्लेलिस्ट मिलेगी, साइंस बाय निहारिका राठौर की। क्या मिलेगी? साइंस बाय निहारिका राठौर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और उस प्लेलिस्ट के अंदर मेरे आने वाले क्लासेस के लिंक आपको मिल जाएंगे। डिक्रीज बच्चा, यस ब्रावो ब्रावो ब्रावो। कई लोग बोलेंगे बच्चा रिड्यूस में हाफ, नो बच्चा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज बाय अ फैक्टर, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज बाय अ फैक्टर। किसी कारण से क्या हो जाती है, डिक्रीज, और इस कारण को बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। एनर्जी के कारण आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चा, तो याद रखना जब भी एक लोलक की लंबाई को दुगना करेंगे तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, एनर्जी फैक्टर के कारण क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज डबल नहीं होएगी, अरे नारायण को डबल क्यों होएगी, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। आपकी लोलक की लंबाई बढ़ने पे उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी मैम, घट जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज प्रिपेयर्ड बाय यूट्रस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग इम्प्लांटेशन। जब बच्चा आपका फर्टिलाइजेशन होता है, जब आपका जायगोट तैयार होता है, जो मैं पढ़ाऊंगी अगली क्लास में, कब, 1:30 बजे वाईफाई स्टडी 2.0 पे। वाईफाई स्टडी 2.0 पे अगला लेसन क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो जब जायगोट बनता है, जायगोट बनने में आपकी बॉडी का कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है, कौन सा हार्मोन जायगोट बनवाएगा, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या पॉलीट्रोपिन। बोलो जी बच्चा, पायरोट्रोपिन, पायरोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या ऑक्सीटोसिन। क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दीजिए जल्दी से राइट आंसर। सोफी थैंक यू बच्चा, थैंक यू। चलो जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो फटाफट से। रश्मि ने आंसर दे दिया, यस बच्चा। अब देखो जायगोट कहाँ बनेगा, मादा के शरीर में। जायगोट कहाँ बनेगा, मादा के शरीर में, यानी कि फीमेल की बॉडी के अंदर। तो हार्मोन कौन सा जाएगा, फीमेल का ही तो पाया जाएगा, और फीमेल हार्मोन का नाम क्या होता है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन एक्टिव हो जाएगा और एस्ट्रोजन क्या कराएगा, जायगोट बनवाएगा। अच्छा बच्चा, डिलीवरी पेन जब होता है, जब डिलीवरी पेन होता है महिलाओं को, तो डिलीवरी पेन कौन सा हार्मोन करवाता है, कौन सा हार्मोन डिलीवरी पेन कराएगा, बोलो डिलीवरी पेन कौन सा हार्मोन कराएगा, बोले इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। यस बच्चा रवि राज जी, हमारी एयरफोर्स की क्लास चलती है, जी बिल्कुल चलती है, और एयरफोर्स के बहुत अच्छे टीचर है हमारे आर एस सर की सारी क्लास देखो, फिजिक्स की सारी फिजिक्स वहां से हो जाएगी कंप्लीट, और केमिस्ट्री और बायो मेरे से पढ़ लेना, ठीक है। तो आर एस सर हमारी अकेडमी टीम के एनडीए के यानी कि डिफेंस विंग के बहुत अच्छे टीचर है, और वो आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाएंगे एयरफोर्स की, एक्स ग्रुप की, वाई ग्रुप की और एनडीए की। आर एस सर क्या फिजिक्स पढ़ लो, और मेरे से यहाँ क्या पढ़ लो, बायो और केमिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है बच्चा, बिल्कुल जी। यस बच्चा चलो जी, तो मैम इसका आंसर जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या जाएगा, ऑक्सीटोसिन जाएगा। क्या लिखेंगे मैम, ऑक्सीटोसिन। तो आपका ऑक्सीटोसिन होता है, ये आपके डिलीवरी पेन का आपको एहसास कराएगा, क्या कराएगा, ऑक्सीटोसिन कराएगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। मेरी एक बात सुन लो बच्चा, मैं दोबारा कहूंगी, जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो भी फिजिक्स पढ़नी है वो आर एस सर की क्लास को ज्वाइन करें। आर एस सर की क्लास बहुत अच्छे, बहुत गजब के फिजिक्स के टीचर हैं, ये पूरी फिजिक्स आपको कंप्लीट करा देंगे, और बाकी जो आपकी डिफेंस की बायो बचेगी और केमिस्ट्री बचेगी वो मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो आप आर एस सर की क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, फिजिक्स के लिए केमिस्ट्री बायो मैं करा दूंगी। ऑक्सीटोसिन राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चा, जब आपकी ऊंचाइयां बढ़ जाती है, जब आप ऊंचाई पे जाते हैं, आपके आरबीसी पे क्या असर पाया जाएगा। आरबीसी इंक्रीज इन साइज, इनका आकार बढ़ेगा, इनका आकार घटेगा, बच्चा ये उतने ही पाए जाएंगे या नन ऑफ दिस। सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के। जी हाँ,
सोच समझ के आंसर देना, गड़बड़ मत करना, वरना क्या हो जाएगा, आपकी बफेलो पानी में चली जाएगी। तो बफेलो को पानी में जाने से बचाना है। जाट जी जिंदाबाद, जी जिंदाबाद, 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 जय महाकाल। चलो जी, मैंने बोला ऊंचाई पे जाने पे आरबीसी पे क्या असर पड़ेगा, मैम इनका आकार बढ़ जाएगा, इनका आकार घटेगा, ये उतने ही पाए जाएंगे या नन ऑफ दिस, बोलो। मैम मैं और मेरा फ्रेंड्स आपकी क्लास से बहुत लाइक है और आपकी क्लास पढ़ी भी है। थैंक यू रश्मि, थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच। एंड बच्चा प्लीज आप लोग क्या करें, मुझे अन अकेडमी की ऐप पे फॉलो करेंगे, और ऐप पे फॉलो करना बिल्कुल फ्री कॉस्ट है। जी हाँ, एक भी रुपया नहीं लगेगा फ्री का ऐप पे फॉलो करने का। जितने बच्चे यहाँ पे हैं, जितने बच्चे हैं यहाँ पे, वो लोग देखो एक बार आप मुझे ऐप पे फॉलो कैसे कर सकते हैं, आप मुझे ऐप पे फॉलो कैसे करेंगे, मैं दिखा देती हूँ। ये देखो इस तरीके से आप लोग मुझे ऐप पे क्या कर सकते हैं, फॉलो करेंगे। ये मेरा पूरा आईडिया है, तो आप मुझे ऐप पे इस तरीके से क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। ठीक है, चलो जी, और इसी के साथ अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो हम कहाँ थे, इस क्वेश्चन पे थे ना। हाँ जी, तो मेरे बच्चा लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, तो मेरे बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा नन ऑफ दीज। ओ माई गॉड, इज इट मैम, आपने कैसे बोल दिया कि नन ऑफ दीज जाएगा। तो सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, मैंने बोला था जब भी आप ऊंचाई पे जाएंगे, आज जो आपके आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज बढ़ जाते हैं, कैसे, नंबर में, यानी कि बच्चा इनकी मात्रा बढ़ती है, इनका आकार नहीं बढ़ता। तो यहाँ से राइट आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्यों जाएगा, नन ऑफ दीज जाएगा क्योंकि आरबीसी का आकार नहीं बढ़ेगा, इनकी मात्रा बढ़ेगी। तो अगर यहाँ पे लिखा होता नंबर ऑफ आरबीसीज, यहाँ पे क्या होता, नंबर ऑफ आरबीसीज होता, नंबर ऑफ आरबीसीज, या फिर यहाँ पे लिखा होता अमाउंट ऑफ आरबीसीज, तो आप निशान लगाते। लेकिन मैडम ये तो है ही नहीं, तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चा पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सत्यवीर हेलो बच्चा हेलो, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, मेरी बात को सुन लीजिए, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, जब मेरी क्लास ओवर हो जाएगी, जब मेरी क्लास ओवर हो जाएगी, तो ओवर होने के बाद इस पीडीएफ को अपनी वीडियो के साथ लिंक में क्या करा दूंगी, पिन करवा दूंगी, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्लास ओवर होने का वेट करो, क्लास ओवर होने के बाद ही क्या मिलेगा, पीडीएफ का लिंक मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्फ्लुएंजा को किसके नाम से जाना जाता है बच्चा, जो आपका एवियन इन्फ्लुएंजा है बच्चा, पहले आपको सर्दी होती है, फिर आपको कोल्ड होता है, फिर आपको खांसी आती है, और फिर धीरे धीरे आपको क्या होता है, फीवर चढ़ने लग जाता है। तो ये आपका इन्फ्लुएंजा जो होता है, जो आपका एवियन इन्फ्लुएंजा होता है, इसका दूसरा नाम क्या पाया जाएगा, बोलो बच्चा। इनमें से आपका मैम एवियन इन्फ्लुएंजा का नाम क्या होता है, बोलो बच्चा, बोलो जी। चलो चलो जल्दी, नेवर गिव अप, हेलो जी हेलो, सबको हेलो। हाँ बच्चा, काउंट वाइज इंक्रीज होएंगे रेशमा, साइज वाइज इंक्रीज नहीं होएंगे। तो इसके उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज, क्या जाएगा, नन ऑफ दीज जाएगा। चलो जी, खूबसूरत से दिन की खूबसूरत सी शुरुआत धासु मैम के साथ, और ढिंचैक मोड में आप लोग देंगे मुझे राइट आंसर। हाउ आर यू, आई एम शानदार, हम शानदार, लाजवाब। अगले क्वेश्चन का आंसर बच्चा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, H5N1। H5N1 बोलते हैं क्या हम इन्फ्लुएंजा को, इन्फ्लुएंजा का एक नाम क्या होता है, H5N1 होता है। तो बच्चा इसका राइट आंसर क्या जाएगा, H5N1 जाएगा। प्लीज इसको आप क्या करें, दिमाग में कॉपी और पेस्ट कर लें, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी एमटीएस में आया था, एमटीएस के पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन डिट्टो आया था, और इस बार भी आने के इसके क्या है, चांसेस पाए जाएंगे। दिमाग में कॉपी और पेस्ट दोनों कर लो। और अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई को क्या बोलते हैं, गूंज बोलते हैं। ई को हम क्या बोलते हैं, गूंज, या फिर बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो जो आपकी गूंज होती है, गूंज सुनाई देगी जब आपका परावर्तित सरफेस कैसा होगा बच्चा, उसका वॉल्यूम आयतन ज्यादा पाया जाएगा, उसका एरिया ज्यादा पाया जाएगा, उसकी डेंसिटी कम या जा। चलो जी, ई को क्या होता है, पहले ई को समझते हैं। ये हमारी हीरोइन है, ये हमारी हीरोइन है, हीरोइन के ये आपके अच्छे अच्छे से बाल। हीरोइन क्या हो गई, गुस्सा हो गई, हीरोइन क्या हो गई, गुस्सा हो गई, और जाके एक पहाड़ी के ऊपर क्या हो गई, खड़ी हो गई। अब हीरो जी कैसे मनाए, हीरो जी हमारी हीरोइन को कैसे मनाए, हीरो जी को समझ नहीं आ रहा, हीरो जी के चार बाल सर पे थे, हीरोइन
हीरो जी सोच रहे कैसे मनाऊं कैसे मनाऊं। तो हीरो जी ने क्या किया, ये एक दूसरी पहाड़ी पे आए, इस पहाड़ी पे खड़े होकर उन्होंने क्या चिल्लाया, उन्होंने नाम क्या चिल्लाया, क्या नाम ले इसका, क्या नाम ले इसका, हम लोग जल्दी बोलो क्या नाम ले, हीरोइन का नाम क्या रखे जल्दी बोलो, हीरोइन का नाम क्या रखेंगे जल्दी बोलो, चिंकी नहीं टीना रखेंगे, टीना है ना, इन्होंने क्या बोला टीना। तो इन्होंने चिल्लाया टीना, हीरोइन को सुनाई दिया टीना टीना टीना। तो हीरो ने नाम कितनी बार बोला, हीरो ने नाम बोला एक बार, हीरोइन को अपना नाम एक से ज्यादा सुनाई दिया तो हीरोइन क्या हो गई मुस्कुरा गई, हीरोइन क्या हो गई मुस्कुरा गई, अब हीरोइन क्या हो गई हैप्पी हो गई। तो बच्चा हीरो ने नाम पुकारा, हीरोइन को नाम 3-4 बार सुनाई दिया, इसी को क्या बोलते हैं ईको बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं ईको। और ईको कैसे सुनाई देती है, अब मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दो, चलो 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 जल्दी से राइट आंसर दे दो। मैम कल LSI का एग्जाम है उड़ीसा में, बायोलॉजी का 300 मार्क का, बायोलॉजी का फुल रिवीजन। बच्चा आप ना मेरी ऐप की क्लासेस को फॉलो कर लो, ऐप पे मैंने बहुत सारे लेसन का रिवीजन करा रखा है, वहां से रिवीजन कर लेना ठीक है। बच्चा देखो कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि ईको क्या होती है, तो ईको को समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा फनी वे यूज किया, लेकिन मुझे लगता है ईको समझ में आ गया होगा। अब बच्चा ईको कब पैदा होगा, जब आपका एरिया ज्यादा पाया जाएगा। तो बच्चा राइट आंसर क्या आ जाएगा, लार्ज एरिया। अगर आपका क्षेत्र बड़ा पाया जाएगा तो ईको ज्यादा पाया जाएगा, लेकिन ईको की एक कंडीशन होती है। ईको की क्या होती है मेरे बच्चा, ईको की एक कंडीशन होती है, ईको कितनी दूरी भी पाए, अगर इस ये जो सतह है इसको अगर मैंने बोला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या बोल दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ईको जहां पे इंसान खड़ा है वहां से परावर्तक सतह के बीच दूरी कितनी पाई जाएगी, 16.5 से 17 मीटर। अगर ये दूरी पाई जाएगी तो आपको प्रॉपर ईको सुनाई देगा, और अगर ये दूरी नहीं पाई जाएगी तो प्रॉपर ईको सुनाई नहीं देगा। तो अगर आपको प्रॉपर ईको सुनना है तो प्रॉपर ईको सुनने के लिए, प्रॉपर गूंज सुनने के लिए दूरी कितनी होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंसान की दूरी 16.5 से 17 मीटर पाई जाएगी ठीक है। चलिए जी हाँ बच्चा, लार्ज एरिया यानी कि लॉन्ग एरिया, और ये दूरी समझ में आ गई, दूरी कितनी होगी जल्दी बोलो बच्चा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से आपकी बॉडी की दूरी कितनी पाई जाती है मैम, 16.5 से 17 मीटर, कितना जी 16.5 से 17 मीटर पाई जाती है ना। चलो अब हम मूव करेंगे अगले आर्टिकल पे। तो अगला आर्टिकल क्या है बच्चा, अगला आर्टिकल क्या है कि अगर आपकी साउंड वेव जा रही है, ये आपकी ध्वनि तरंग है, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर आपकी साउंड वेव धीरे धीरे चल रही है और मैंने इनका रास्ता क्या कर दिया रोक दिया, तो जब भी मैं ध्वनि तरंग का रास्ता रोकूंगी तो ये क्या करेंगी, ये मुड़ जाएंगी, ये रास्ता बदल देंगी, ये सीधा निकल जाएंगी, ये रुक जाएंगी, या इनमें रिफ्लेक्शन पाया जाएगा यानी कि परावर्तन पाया जाएगा। तो बताइए जब भी ध्वनि तरंग को हम रोक देंगे तो उसमें क्या चेंज पाया जाएगा, बोलिए। जी हाँ बच्चा रश्मि ने बिल्कुल राइट आंसर दे दिया, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, मैंने क्या बोला पढ़ने वाले पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले नहीं पढ़ेंगे, तो हमें हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते बच्चा। ऐसे में जो पढ़ने वाला होगा वो पढ़ने आएगा, और जितने डिसलाइकर है ना, एक बात याद रखना, डिसलाइक करके जा रहे हो लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा आपका, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सिर्फ डिसलाइक करने ही आते हो। मैंने क्या गलत पढ़ाया, मैंने कुछ गलत पढ़ाया, मैंने कुछ फनी एक्सपीरियंस यूज करे ताकि आपको मैं चीजें समझा पाऊँ, इससे ज्यादा एक टीचर क्या कर पाएगा। टीचर अपना कलेजा निकाल के बाहर नहीं रख सकता, इस बात को याद रखना। जब भी ध्वनि तरंग का रास्ता रोका जाएगा तो ऐसे में ध्वनि तरंग क्या करती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित होती है, क्या होती है मैम रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और बच्चा यही तो हुआ था ईको के अंदर, ईको के अंदर क्या हुआ था मैम, ईको के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हुआ था, ईको में क्या पाया गया था, ईको के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पाया गया था ठीक है। चलिए जी हाँ, ड्यू टू रिफ्लेक्शन साउंड डेविएट है ना, बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी कंपनी आपका विटामिन B12 को पैदा करती है, भारत की एक ऐसी कंपनी जो एशिया के अंदर विटामिन B12 को बनाती है और क्या करती है सप्लाई करती है, एशिया की
एशिया के अंदर, इंडिया इंडिया कहाँ पे, एशिया में, तो भारत की एक ऐसी कंपनी जो एशिया के अंदर क्या करती है, विटामिन B12 का निर्माण करती है और उसको सप्लाई करती है, उस कंपनी का नाम क्या है? और विटामिन B12 को बोलते हैं साइनोकोबालमिन। क्या बोलते हैं मैम? साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन बोलते हैं विटामिन B12 को, और इसी को बोलते हैं ब्लू विटामिन, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लू विटामिन बोलते हैं। बोलो जिस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। जी पीपी बच्चा बीमारी में पढ़ लेंगे, मुझे क्वेश्चन के आंसर बोलने दो। मैम कैडिला, कैडिला इस संस्था का नाम है, इस कंपनी का नाम क्या है? कैडिला, जो आपके विटामिन B12 को पूरे एशिया में अकेली बनाती है और क्या करती है, सप्लाई भी करती है। द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज कैडिला, कैडिला, कैडिला। ठीक है बच्चा, कह रहे मैम हवाना सिंड्रोम। बच्चा एक बार बताओ, अभी मैं बताऊंगी फिर मेरे क्वेश्चन रह जाएंगे, 50 क्वेश्चन कराने हैं, 10 मिनट बाकी हैं, तो क्या करेंगे, जब थ्योरी क्लास पढ़ेंगे वहां सारे सिंड्रोम पढ़ना, पटाऊ पटाऊ सब पढ़ना, लेकिन अभी मुझे क्वेश्चन रिवाइज कराना है। बच्चा 25 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। बच्चा अब आप मुझे क्या बताएंगे, पौधक के अंदर पाए जाने वाले गुरु पोषक तत्व, पौधक के गुरु पोषक तत्व कौन से होते हैं? एक पौधे में कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? फॉस्फोरस, आयरन, कार्बन या नाइट्रोजन, और ये इनके लिए क्या है ऑप्शन। तो यहाँ से आप बताएंगे मैम कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट के अंदर पाए जाएंगे, बोलिए। नेवर गिव अप, जी हाँ बिच्चा जी बिल्कुल सही। चलिए, अरे डिफेंस एकेडमी कह रहे मैम डाबर, डाबर कंपनी क्या बनाएगी, क्या बनाएगी? डाबर च्यवनप्राश बनाएगी, ग्लूकोन डी बनाएगी। तुम कहाँ पहुंच गए विटामिन B12 में मेरे नलायकों बच्चों। चलो जी क्वेश्चन का राइट आंसर दो जल्दी जल्दी। जी हाँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल जी, बहुत प्यारा, बहुत तूफानी सेशन, और क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर दो जल्दी से। डू लाइक एंड शेयर बच्चा, डू लाइक एंड शेयर बच्चा। एक तो आपका जाएगा फॉस्फोरस और एक जाएगा नाइट्रोजन, तो पी और एन कहाँ पाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो फॉस्फोरस होता है, जो नाइट्रोजन होता है, ये आपके पौधे के गुरु पोषक तत्व होते हैं, जो पौधे को हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, या पौधे की हेल्प करते हैं जीवन को जीने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, जो आपकी रिया और जो आपके 33 है बच्चा, ये क्या है? आपकी रिया और जो आपके मैम 33 है, ये किसके नाम है? आपके शनि ग्रह के, चांद के, यूएसए द्वारा भेजी गई शक्ल, सचिन तेंदुलकर के कुत्ते के नाम है यानी कि पेट्स के नाम, या फिर बच्चा किसी ग्रीक फिल्म एक्टर के नाम है? तो बोलेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या जाएगा, बोलिए 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 बोलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? कार्बन बच्चा, मैंने बोला है मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बन तो बनेगा, कार्बन बनेगा फोटोसिंथेसिस के बाद, लेकिन जो पहले से पाए जाएंगे वो तो आपके मैक्रो होंगे ना, कहाँ कंफ्यूज हो गए अंजलि। कार्बन बनता है ग्लूकोस बनने के बाद, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोस बनेगा, और ग्लूकोस में क्या पाया जाएगा, मेरी लाडली कार्बन पाया जाएगा। इसका राइट आंसर जाएगा शनि ग्रह के, चांद के नाम है ये दोनों, शनि ग्रह के चांद के नाम है। तो क्वेश्चन की हिंदी टाइप नहीं हो पाई है उसके लिए आई एम सॉरी लाइक, लेकिन आप आंसर दे देंगे। डीएनए, डीएनए का डबल हेलिक्स शेप किसने बताई थी? डीएनए की डबल हेलिक्स शेप सबसे पहले किसने बोली थी? न्यूटन ने, एडवर्ड जेनर ने, आपका मैम मैडम एंड पैरी क्यूरी ने, या आपका वास्टन ने? सबसे पहले डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने बोला था? राइट आंसर दो राहुल। मैंने क्या बोला, मेरी टाइपिस्ट 3-4 क्वेश्चन को हिंदी में टाइप करना भूल गई, तो बच्चा मेरी इसमें गलती नहीं, मैंने अभी इस चीज देखी थी, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि 3 क्वेश्चन की हिंदी नहीं है, लेकिन इनको मैं समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है। डीएनए मतलब क्या होता है मैम, जो हमें अपने पिताजी से मिलता है, तो डीएनए का जो आपका संरचना होती है उसकी खोज किसने करी थी? वेस्टन एंड क्रिक ने करी। किसने करी थी बच्चा? वेस्टन एंड क्रिक ने करी थी। अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आपका मैंने होमवर्क दिया, इसकी हिंदी नहीं है, इसको मैंने होमवर्क दे दिया। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, ये भी आप 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए गए, क्योंकि इसकी हिंदी नहीं है, फिर आप बोलोगे मैम कॉन्ट्रोवर्सी। तो जो बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा इन 2 क्वेश्चन का, उसको मैं अगली क्लास में क्या करूंगी, चॉकलेट गिफ्ट कर दूंगी। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बच्चा। ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, मिट्टी की स्टडी को क्या बोलते हैं, मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं, मृदा के
अध्ययन को क्या बोलेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो। शिवम जी, मैं 4-5 दिन से क्लास नहीं ले पाई, मेरी मम्मा बीमार है तो मुझे रात को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो इसलिए आपकी नाइट क्लासेस क्या है बंद है। 1 अक्टूबर से मैं डेली आपकी नाइट की क्लासेस लूंगी, लेकिन अभी 4-5 दिन मुझे नाइट की क्लास क्या करनी पड़ेगी? ऑफ करनी पड़ेगी। चलिए बच्चा, इसका जाएगा पेडोलॉजी। क्या जाएगा मैम? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा पेडोलॉजी। अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। बच्चा, पौधे का वह हिस्सा जिसमें श्वसन पाया जाता है, पौधे का वह हिस्सा जिसमें श्वसन पाया जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बोलो। पत्ती, जड़, बीज या सभी? पौधे के कौन से हिस्से में रेस्पिरेशन होता है? रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है बच्चा? जहां पे भोजन बनेगा, फूड फैक्ट्री। क्या बोलेंगे? फूड फैक्ट्री। अब बोलो जी राइट आंसर क्या जाएगा। शिवम राजपूत, बच्चा मैंने बता दिया कि 1 अक्टूबर से मेरी रेगुलर नाइट की क्लास आपको मिलेंगी। 1 अक्टूबर तक क्या करो? थोड़ा सा इंतजार, इंतजार, इंतजार। यस बच्चा, द राइट आंसर इज लीव। नेवर गिव अप अजय ने, और सतवीर, कार्तिक, डिफेंस ने, सुमन जी ने, नीरज ने, गुड आफ्टरनून। रवि विनोद, रवि विनोद जी, मीना जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। बच्चा अब तक 100 लाइक भी नहीं हुए हैं, बहुत गलत बात है। अब तक आप लोगों ने 100 लाइक भी नहीं करे, अच्छे के अच्छे काम चलेगा। 100 लाइक नहीं करते हो, जल्दी से 100 लाइक पार पहुंचाओ। और मेरे नलायकों, मेरे प्यारे प्यारे बंदरों, इसका राइट आंसर जाएगा लीफ। लीफ के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में क्या बचेगा? फूड बनेगा। क्या बनेगा? फूड बनेगा। मैम रेस्पिरेशन में क्या होता है? जब रेस्पिरेशन होगा तभी क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन आपका कहाँ पाया जाएगा? लीफ के अंदर पाया जाएगा। तो लीफ को बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डिसाइबल क्या है? म्यूजिकल नोट या फिर मेजर ऑफ साउंड लेवल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या वेवलेंथ ऑफ नॉइज। तो बच्चा डिसाइबल क्या होता है ये मुझे आप बताएंगे। मैम डिसाइबल क्या होता है? बोलो जी। संगीत की एक नोट है बच्चा, ध्वनि का स्तर होता है, संगीत का इंस्ट्रूमेंट या शोर की तरंग दैर्ध्य है। तो हम डिसाइबल को क्या बोलते हैं बोलिए। हाँ बच्चा, ट्रांसपिरेशन, यानी कि पत्तियों से पानी का उड़ जाना, इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन या कि ट्रांसपिरेशन। यस बच्चा, रेशमा ने राइट आंसर दिया। मैम साउंड लेवल को मेजर करना, यस डिसाइबल क्या होता है? साउंड लेवल को मेजर करना। बच्चा अगर मैं बात करूं WHO, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बच्चा? इसने क्या किया? इसने बोला कि 45 डिसाइबल, 45 डिसाइबल आपके लिए नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल यानी कि सामान्य है। अगर इससे ज्यादा आवाज को तेज करके सुनेंगे तो आपके कानों में क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। आपके कानों में क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या क्या जाएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर बी। और याद रखना WHO ने कितने डिसाइबल को सामान्य बताया है? 45 डिसाइबल। 45 डिसाइबल से ऊपर क्या हो जाएगा? धीरे 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 शोर बढ़ता चला जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? एक गाड़ी का जो इंजन होता है उसमें कूलेंट पाया जाता है ना? गाड़ी के इंजन में जो कूलेंट पाया जाता है, ये कूलेंट किस प्रकार के फंक्शंस को करता है? ये पानी का क्वथनांक बढ़ाएगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएगा, पानी को फ्रीज करने में काम आएगा बच्चा, ये रस्टिंग नहीं लगने देगा, या फिर वाटर पंप में लुब्रिकेशन पैदा करेगा। तो जो आपकी गाड़ियों में इंजन पाए जाते हैं उनके अंदर जो आपका प्रीशतक, कूलेंट को बोलते हैं प्रीशतक। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रीशतक। तो ये प्रीशतक होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चा? प्रीशतक का काम गाड़ी के इंजन में क्या क्या होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। थैंक यू रविराज जी, राइट आंसर दो। कैसे? डिन चेक मोड में राइट आंसर दोगे। डिन चेक मोड में क्या दोगे? राइट आंसर मुझे जल्दी जल्दी दोगे। बिल्कुल जी। चलान कट गया, ओ माई गॉड। अंजलि जी, किसने आपका चलान काट लिया?
ढिंचक मोड में मैंने ढिंचक सिकंदर क्या देंगे, राइट आंसर देंगे, और राइट आंसर जाएगा बच्चा क्या, मैम ये क्या करता है, तो रोक देखो बच्चा, ऑप्शन नंबर ये, तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज। कैसे, बात को समझो, गर्मियों में आपका क्या होता है मैम, बॉडी हीट कर जाएगी तो पानी को उबाल देगा, सर्दियों में पानी को जमा देगा, आपकी गाड़ी के इंजन में रस्टिंग नहीं लगने देगा, और गाड़ी के इंजन में क्या करेगा, लुब्रिकेटिंग करेगा, क्या करेगा बच्चा, स्नेहक के रूप में काम करेगा, किसके रूप में, स्नेहक के रूप में काम करेगा। तो चारों ही ऑप्शन सही जाएंगे, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, ए बी सी डी, सारे इसके राइट आंसर जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हनी, जी हाँ, ये जो आपका हनी होता है ना, हनी का मुख्य घटक क्या पाया जाता है, मैंने पढ़ाया हुआ है कहाँ पे, फूड एंड न्यूट्रिशन, जब मैंने आपको भोजन एंड पोषण पढ़ाया था तो मैंने वहां पे क्या पढ़ाया था, हनी पढ़ाया था। अब आप मुझे बताएंगे हनी का मुख्य घटक क्या होता है, बोलो मेरे सिकंदरों, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हनी। हाँ जी राम विनोद जी, डी 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 इज द राइट आंसर पिछले क्वेश्चन का। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे, बोलिए, अब आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे कि मैम इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, फ्रक्टोज, जी हाँ बच्चा, फ्रक्टोज जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मेरे बच्चा लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को बोलते हैं नेचुरल स्वीट शुगर, नेचुरल स्वीट शुगर, नेचुरल स्वीट शुगर, प्राकृतिक मीठी शर्करा, किसको बोलते हैं, फ्रक्टोज को। और जो भी आपका हनी होता है या जो भी आपके फल होते हैं, इनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, मैम इनके अंदर फ्रक्टोज पाया जाता है, इनमें क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एंड मैम फ्रक्टोज पाया जाता है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं मैम, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, आपकी बॉडी के अनुसार, आपकी बॉडी के विज्ञान के अनुसार, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अनुसार एंटीबॉडीज क्या है। अच्छा, एंटीबॉडीज को बोलते हैं प्रतिरक्षी, क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी। तो प्रतिरक्षी क्या करते हैं, आपको रोग से बचाते हैं, रोग से बचाते हैं, प्रतिरक्षी आपको रोग से बचाते हैं। अब आप मुझे राइट आंसर देंगे बच्चा, जो एंटीबॉडीज होती है ये किसके बने होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स के, मैम स्टेरॉल्स के, प्रोटीन्स के या कार्बोहाइड्रेट। तो आप देंगे राइट आंसर कि एंटीबॉडीज किसके बने होते हैं, बोलिए। यस बच्चा, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन फॉर बीएलएड, बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और सीटेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, इस बात को आप लोग याद रखें। ढिंचक मोड में राइट आंसर जाएगा प्रोटीन, इसका आंसर क्या जाएगा बच्चा, दोबारे से मैम, प्रोटीन, जितने भी आपके एंटीबॉडीज होते हैं बच्चा ये प्रोटीन के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, जो भी आपके एंटीबॉडीज होते हैं ये प्रोटीन के, और एंटीबॉडीज बनाते हैं एंटीजन, एंटीबॉडीज कहाँ बनाते हैं मैम, जो आपके प्रतिजन होते हैं, जो आपके प्रतिजन होते हैं यही आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं, और एंटीबॉडीज कहाँ पाए जाते हैं, डब्ल्यू बी सी के अंदर, श्वेत रक्त कोशिका के अंदर आपके एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, है ना। तो राइट आंसर बी फॉर बड़का एप्पल। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, लोएस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, वायुमंडल की सबसे नीची परत का नाम क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर या एक्सोस्फेयर, बोलो। और मैं एक ट्रिक लिखूंगी, मैं ट्रिक लिखती हूँ, तेरे साथ महंगी थी एनिमी, मैडम ये क्या लिख दिया, ओ माय गॉड, बताऊंगी मैंने ये क्या लिखा, लेकिन उससे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे ताकि मैं आपको आगे समझा पाऊं, बोलो जी। रीना बिल्कुल बच्चा, कोशिश करना, आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा बच्चा। टी से होता है ट्रोपोस्फेयर, पी से होता है ट्रोपोस्फेयर, एस से होता है स्ट्रेटोस्फेयर, एम से होता है मेसोस्फेयर, टी एस से होता है थर्मोस्फेयर, इसी को बोलते हैं आइनोस्फेयर, और इसे एक्सोस्फेयर। तेरे साथ महंगी थी दोस्ती, ये सबसे इनर लेयर होती है, और ये वाली सबसे आउटर लेयर होती है, तो इनर लेयर का नाम क्या जाएगा, ट्रोपोस्फेयर, सॉरी सबसे आंतरिक परत होगी ट्रोपोस्फेयर, और सबसे भारी परत कौन सी जाएगी, एक्सोस्फेयर। और कई लोग पता है क्या करते हैं,
कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैम क्या सही जाएगा, तेरे साथ महंगी थी एनिमी, तेरे साथ महंगी थी एनिमी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मैक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड आपका एक्सोस्फेयर, है ना? बिल्कुल जी, चलिए मेरा सही था। चलो अभी कहानी बाकी है। WHO की स्थापना कहाँ पे हुई थी? जिनेवा। जिनेवा में इसका हेड ऑफिस है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा के अंदर। इसका हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर पाया जाएगा। अब आप बताएंगे इसकी स्थापना कौन से साल में हुई थी। मैंने क्या बोला था, आपके साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आएंगे, तो देखो क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ बच्चा, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाई जाएगी। ये जो आपकी ओजोन लेयर होती है ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाएगी। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। 1948 राइट आंसर क्या जाएगा मेरे बच्चा? मैम राइट आंसर जाएगा 1948। क्या जाएगा? 1948। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर पाया जाएगा। तीन क्वेश्चन बाकी हो रहे हैं। आपके सन में आपके सूरज के द्वारा जो सबसे ज्यादा चमकीला कलर निकलेगा वो कौन सा होगा? सूरज के द्वारा, सूरज की सफेद रोशनी में से वह रंग जो दूर से ही चमकेगा, जो बहुत चमकीला होता है, उसको क्या बोलेंगे? ब्लू और ग्रीन, वायलेट रेड या येलो ग्रीन। सबसे ज्यादा चमकीला कलर, आप लोगों ने पी के मूवी देखी है? पी के मूवी, जो कलर दूर से फोकस करेगा, फोकसवा मारेगा, वही क्या होगा इसका आंसर? बोलो जी, दूर से फोकसवा कौन मारता है? बोलो। एक मैंने ना एक बात देखी है, एक टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अगर वो बोलेगा ना बच्चों बच्चों मैडम कितना बोरिंग पढ़ा रही है, या सर कितना बोरिंग पढ़ा रही है, एक बार अगर ढिंचक बोल मैडम कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है, बच्चा एक बात बताओ, टीचर पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे? क्या आप जज ही करने के लिए आते हो, पढ़ने के लिए आपको? थोड़ा क्लास को हंसी मजाक करना जरूरी नहीं होता? मैं आपकी शक्ल नहीं देख पा रही, आप मेरी शक्ल देख पा रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ बैठ के मेरी क्लास दे रहे हैं। तो आपके बॉडी में एक मोटिवेशन पैदा करना, एक एनर्जी भरना, ये भी तो मेरा काम पाया जाएगा। फिर भी बच्चे जज करते हैं, पता नहीं क्यों। येलो ग्रीन, द राइट आंसर इज येलो ग्रीन। अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगर बैरोमीटर जो कि आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर, जी हाँ एटमोस्फेरिक प्रेशर नापता है, बैरोमीटर आपका वायुमंडलीय दाब नापता है, तो अगर वायुमंडलीय दाब गिरेगा यानी कि बैरोमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी? घट जाएगी, तो यह क्या दर्शाएगा बच्चा? साफ मौसम, आपका हेल स्ट्रॉम, आंधी तूफान या बारिश? बोलो जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? समझ नहीं आता, पता नहीं जज क्यों करते हैं बच्चा इतना, मुझे यही चीज समझ नहीं आती है। थैंक यू अंजलि सैनी, थैंक यू बच्चा, दिल से बहुत प्यारा वाला थैंक यू। मेरा मकसद है कि मैं एक सरल टीचर ना बनूं, एक ऐसा टीचर जो आपको एक बहन की तरह, एक आइडियल की तरह पढ़ा पाए, लेकिन पता है आप लोग नहीं समझते बात को। आप लोग आते हैं मैडम नोटिंग क्या कर रही है, मैडम ओवर एक्टिंग कर रही है, बच्चा क्या करूं मैं, कैसे पढ़ाऊं, थोड़ा हंस दूं मैडम आप हंस गिरे हो। एक दिन तो पता है क्या हो गया, मैंने रेड लिपस्टिक लगा दी क्लास दे रही, एक क्या कहती है कि आप ना उन मैडम को देखो वो लिपस्टिक नहीं लगाई, आप लिपस्टिक लगा कह रहे हो आप शिष्टाचार में रहो। मैंने कौन सी बदतमीजी करी, मैं शिष्टाचार में रहूंगी क्या? हम लिपस्टिक लगा के पढ़ा नहीं सकते? एक कहता है आप खुले बाल करके मत पढ़ाई करो, आपको सभ्यशाली होना चाहिए। बताओ जी हमने क्या गलत कर दिया? पता नहीं कैसे कैसे आपके सच में अजीब अजीब किस्म के बच्चे आते हैं। मैम अगर बैरोमीटर की रीडिंग घटेगी तो आंधी तूफान का संकेत है, किसका? आंधी तूफान का संकेत पाया जाएगा। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, और मैंने बोले थे 50 क्वेश्चन लेकिन मैं 40 क्वेश्चन पूरे करा चुकी हूँ। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, कौन से पदार्थ का इस्तेमाल स्टोरेज बैटरीज में करते हैं? स्टोरेज बैटरीज में कौन से पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? कॉपर का, लेड का, एल्युमिनियम का या जिंक का? बोलो जी, कौन से धातु का इस्तेमाल, कौन से धातु का इस्तेमाल आपके स्टोरेज बैटरीज में करते हैं? बोलो बच्चा। आहिल जी, बच्चा आहिल जी, अगर आपको जीडी की तैयारी करनी है तो वाईफाई स्टडी को ज्वाइन करो। वाईफाई स्टडी को, वाईफाई स्टडी 2.0 को क्या करो? सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल से, जी हाँ कल से वहां पे मैं जीडी के वन लाइनर कराऊंगी। क्या कराऊंगी? जीडी के वन लाइनर, पूरे फिजिक्स के, पूरे केमिस्ट्री के, पूरी बायो के 3,000 वन लाइनर है। एक क्लास में 100 वन लाइनर, और आपको मैं सारे जीडी के वन लाइनर करा दूंगी बच्चा। द राइट आंसर इज लेड। क्या जाएगा? लेड। और इस बैटरीज को बोलते हैं लेड
स्टोरेज बैटरी, इन बैटरीज को बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। और इन बैटरी के अंदर कौन सा एसिड यूज करते हैं, इन बैटरी में H2SO4 एसिड क्या होता है यूज किया जाता है। ठीक है, चलो बच्चा, तो आज की क्लास तो यहीं तक रही, 50 क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाए क्योंकि अगली क्लास भी है ना, अब अगली क्लास भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप लोग क्या करना बच्चा, देखो मेहनत करके पढ़ा रही हूँ तो आपको क्या करना है, आपको क्लास को लाइक करना है और शेयर करना है। देखो किसी की मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो डिसलाइक मत किया करो, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर पसंद ना आए तो प्लीज डिसलाइक मत करो, क्लास को लीव कर दो। लेकिन बच्चा याद रखना, डिसलाइक करने से क्या होता है, आपका मेंटल लेवल दिख जाता है कि डिसलाइक क्यों करते हैं। बच्चा किसी को डिसलाइक करने का राइट आपको नहीं, इस बात को याद रखना। तो आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करती हूँ, आपसे मुलाकात होगी कल फिर 12 बजे इसके साथ में, कुछ ऐसे धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। और बच्चा मेरी बात सुन लो जाते जाते, अच्छा तो हम चलते हैं, जाकर सुनो आज रात को, आज शाम को 7 बजे, आज शाम को 7 बजे मैं एक बायो का टॉपिक लेके आऊंगी, लीवर क्या होता है, लीवर फैटी क्यों होता है और आपका लीवर फेलियर क्यों पाया जाएगा। तो लीवर फेलियर क्या होता है और लीवर फैटी क्या होता है, यानी कि जो आपका यकृत होता है, आपका यकृत खराब क्यों होता है, आपको अपने लीवर को कैसे हेल्दी रखना है, तो ये आपका हेल्थ टॉपिक आज शाम को 7 बजे। आज शाम को 7 बजे क्या होने वाला है, आपका हेल्थ का एक टॉपिक जिसका नाम क्या है लीवर। और कल पढ़ाऊंगी किडनी फेलियर क्या होता है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग लीवर फेलियर। ठीक है, तो अभी के लिए, अब मैं अभी के लिए आप लोग क्या करें, 20-10 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर मिलना मुझसे 1:30 बजे कहाँ पे, बायो की क्लास में, बायो फाइव स्टडी 2.0 पे आज पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्शन। अभी 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद क्या पढ़ाऊंगी, रिप्रोडक्शन पढ़ाने जा रही हूँ वाई फाई स्टडी पे, 1:30 बजे शुरू करूंगी। आप लोग क्या करना, इस क्लास को ज्वाइन करना। जब तक के लिए गुड बाय, लव यू टू ऑल। 10 मिनट का क्या कर लो,